रिलेटेबल कॉमेडी इज नॉट कॉमेडी, रिलेटेबल कॉमेडी इज नॉट फनी, रिलेटेबल कॉमेडी इज अनफनी। Hey guys, what's up? Welcome back to another fun video. आज की वीडियो इज अ बिट डिफरेंट, सेटअप वगैरह नहीं अपग्रेड करा है सब कुछ, एंड आई एम स्टार्टिंग दिस न्यू सीरीज वेयर आई जस्ट वॉन्ट टू बी रॉ विद यू गाइज एंड आई वॉन्ट टू गिव माई ओपिनियन एंड जो भी कुछ चल रहा है, तो आई जस्ट स्ट्रेट अवे गेट इन टू दिस वीडियो। तो आजकल जैसे मेरे को बहुत सारी वीडियोज दिखती हैं जहाँ पे इंस्टाग्राम का रील्स का के बारे में बातें करी जाती हैं, तो उसमें ना एक चीज़ सबसे ज़्यादा यूज होती है, जहाँ पे इंस्टाग्राम रील्स आता है वहाँ पे एक बात यूज होती है, रिलेटेबल कॉमेडी एंड हाउ पीपल शो रिलेटेबल कॉमेडी इन अ बैड लाइट, विच आई डोंट एग्री ऑनेस्टली एंड आई ब्रेक इट डाउन इन दिस वीडियो। अच्छा, सबसे पहले लेट मी टेल यू अबाउट माई सेल्फ। आई एम एन इंस्टाग्राम क्रिएटर या एंड आई पोस्ट ऑन रील्स, बट मैं रील्स से पहली वाली जनरेशन का हूँ। मैं 2018 से इंस्टाग्राम पे वीडियोस पोस्ट कर रहा हूँ और मैं बूम इंस्टाग्राम पे हुआ था एंड देन केम रील्स एंड आई लाइक ऑल द अदर क्रिएटर्स अडैप्टेड टू रील्स। अब इस वीडियो में मैं बात करूँगा कि रिलेटेबल कॉमेडी को मैं क्यों अग्री नहीं करता कि इट्स नॉट फनी एनीमोर वगैरह वगैरह। अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल आई वॉन्ट यू टू रिमेंबर दैट यूट्यूब इज अ डिफरेंट प्लेटफॉर्म एंड इंस्टाग्राम इज अ डिफरेंट प्लेटफॉर्म। दिमाग में रखे ऐसा, ठीक है? देखो, जो इंस्टाग्राम है ना उसमें क्या है, आपको कंसिस्टेंट रहना पड़ता है, आपको हर दिन वीडियो डालनी पड़ती है, आपके पास एक टाइम लिमिट होता है 15 सेकंड 30 सेकंड। आजकल ऑप्शन आ गया 60 सेकंड का, बट अभी तक 15-30 ही चल रहा था और उस पर ही सब खेल रहे थे, तो उसके बारे में बात कर दूं। अब जब तेरे पास इतना सा टाइम है और उसमें तेरे को ऑडियंस का अटेंशन ग्रैब करना है, उसको एंटरटेन करना है, उससे वीडियो लाइक भी कराना है, फिर उससे फॉलो भी कराना है, कमेंट टैग कराना है, सब कराना है, यू गॉट टू रन योर बिजनेस राइट। अब यहाँ पे लेट्स से कि मैं एक स्टोरी बनाता हूँ जो बिल्कुल रिलेटेबल नहीं है, मैंने लिखी है एक कैरेक्टर के बारे में जिसका नाम है रोहन और मैंने उसको बहुत ही फनी वे में लिखा है एंड इट्स एक्चुअली अ गुड वीडियो, इट्स अ फनी वीडियो और तुम वो वीडियो देखने बैठे हो, ठीक है? मेरी वीडियो तुम्हारी आंखों के सामने आई, तुम 5 सेकंड देखोगे और जब तुम्हें रियलाइज होगा ना कि यार इसका ना टाइटल मेरी लाइफ से मैच हो रहा है, ना इसमें कुछ और मैच हो रहा है और तुम मुझे जानते नहीं हो, यू विल स्किप दैट वीडियो। तुम ऐसे ऐसे वीडियोस देखते हो रील पे, ठीक है? तुम्हें लगा नहीं रिलेट, स्किप कर दोगे। फिर चाहे मैंने उसमें कितना दिमाग लगाया हो, कितना फनी एलिमेंट डालो, कितनी मेहनत करी हो, सब बर्बाद क्योंकि तुमने देखी नहीं। मेरा प्रोडक्ट चाहे कितना ही अच्छा क्यों ना हो, बट अगर उसकी वो ऑडियंस तक, मार्केट तक पहुंचेगा ही नहीं, देन देयर इज नो पॉइंट राइट। बट अब यहीं पे इमेजिन कर कि कोई एक वीडियो है जो जिस पे लिखा है साफ साफ कि इट्स अबाउट बेस्ट फ्रेंड, हाउ बेस्ट फ्रेंड एक्ट, हाउ व्हाट बेस्ट फ्रेंड डू, तो तू देखेगा बैठ के, एक बार उसको चांस देगा, बस मौका देगा और फिर तू डिसाइड करेगा कि तेरे को पसंद आ रही है या नहीं आ रही। लेट्स से मैं किसकी बात, सो वन ऑफ माई फेवरेट क्रिएटर्स इज हर्ष बेनीवाल। हर्ष बेनीवाल जो यूट्यूब पे कॉन्टेंट बनाता है, इट्स रियली अमेजिंग, मतलब इट्स रियली फन टू वॉच। हर्ष बेनीवाल ऑल्सो स्टार्टेड फ्रॉम फेसबुक, इंस्टाग्राम, ऐसे रिलेटेबल वीडियोज बनाना स्टार्ट करा था, छोटी छोटी एक एक मिनट की, अगर कोई तब से फॉलो करता है तो 1 मिनट की रिलेटेबल वीडियोज बनाई, लोगों ने बहुत पसंद करी, फिर उसने अपनी ऑडियंस यूट्यूब पे शिफ्ट करी और यूट्यूब पे भी वो पहले रिलेटेबल ही बनाता था, सेम विद आशीष अंचलानी, टाइप्स ऑफ पीपल ऑन होली, टाइप्स ऑफ पीपल ऑन दिवाली, टाइप्स ऑफ दिस दैट, बेसिक जो तुम भी रिलेट करोगे मैं भी रिलेट करूंगा ऐसा। फिर जब वो ऑडियंस बिल्ट हो गई, वो मिलियंस ऑफ लोगों की ऑडियंस बिल्ट हो गई और उनका अटेंशन स्पैन बढ़ गया कि वो देखेंगे उसको बैठ के, वो 10 मिनट भी डालेगा, 20 मिनट भी डालेगा तो वो बैठ के देखेंगे और उसने पैसा वैसा भी कमा लिया, तो उसने वो सारी चीज़ें ऐड करी कि उसने राइटर रखा, उसने अपना प्रोडक्शन बनाया, एक डायरेक्टर होगा, यू नो जो भी, हम एक मूवी क्वालिटी आने लग गई उसकी वीडियो में, तो अब वो स्क्रिप्ट्स बनाता है प्रॉपर, एक मूवी की तरह ही बनाता है और हम लोग वो देखते हैं। पर अब हम जाके देखते हैं, अब हम इसलिए देखते हैं क्योंकि हमें हर्ष बेनीवाल पसंद है, समझ रहे हो? हमें पता है कि ये बना रहा है तो ये अच्छा बनाएगा, बट हमें अब पता है, हमें डे वन पे नहीं पता था। अगर मान लो वो डे वन से कुछ ऐसा बनाता जो हमने देखा ही नहीं और नाम हर्ष बेनीवाल को जानते हैं तो हम उसको मौका ही नहीं देते। सो द होल पॉइंट इज कि आपको पहले रिलेटेबल कंटेंट बनाना पड़ता है जिससे ऑडियंस आपको पसंद करे, ऑडियंस आपको देखे, और जब आपके पास ऑडियंस बिल्ट हो जाएगी फिर आप उन्हें आधे घंटे का उन कुछ अलग ही कंटेंट दे दोगे तो भी वो देख लेंगे। नाउ कमिंग बैक टू रील्स, अब इसमें मैं एक चीज ऐड करना चाहता हूँ दैट आई एग्री विद यू, व्हाट यू कैन से इज कि डोंट शो रिलेटेबल कॉमेडी इन अ बैड लाइट। व्हाट यू कैन से इज कि मेरे को प्रेजेंटेशन पसंद नहीं आ रहा, लेट्स से मैंने एक वीडियो बनाई, इट्स अबाउट अगेन गर्लफ्रेंड के बारे में एक वीडियो है,
ठीक है, टिपिकल वीडियो आई एम रैंटिंग अबाउट माई गर्लफ्रेंड, तो तुम ये कह सकते हो कि हाँ भाई मेरे को तेरा प्रेजेंटेशन पसंद नहीं आ रहा, जो तू जिस स्टाइल में तू बता रहा है मेरे को वो पसंद नहीं आ रहा, दैट यू कैन से, एंड आई थिंक दैट वॉट पीपल शुड से कि आई डोंट लाइक द प्रेजेंटेशन. देखो जो भी टॉपिक्स पे आज वीडियो बनती है या बन रही है, उन सारे टॉपिक्स पहले कवर हो चुके हैं, राइट. गेम पूरा ये है कि तुम कैसे वो टॉपिक्स जो पहले उठ चुके हैं उनको अपने स्टाइल में प्रेजेंट कर सकते हो, दैट्स द होल गेम. इनोवेशन कैसे ऑलरेडी एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट को तुम इनोवेट कर सकते हो, वो पूरा खेल है. तो माई एडवाइस टू यू इज, पहला डोंट पुट रिलेटेबल कॉमेडी इन अ बैड लाइट. मैं बहुत बार बोल चुका हूँ वीडियो में, एडिट में काटूंगा नहीं काटूंगा पता नहीं, बट यू गेट द पॉइंट वीडियो इस बारे में. दूसरा इज कि जस्ट गेट ऑन, मतलब ऐसे प्लेटफॉर्म्स पे जाओ और कॉन्टेंट बनाना स्टार्ट करो, डोंट लिसन टू एनी वन एल्स, बिकॉज देखो सबका काम कहीं ना कहीं से ग्रो होता है. अभी एक और एग्जाम्पल मैं देता हूँ, चलो ये एग्जाम्पल मैं रोस्ट पे देता हूँ, ठीक है. मान लो वो यूट्यूब वर्सेस टिकटॉक वाला पूरा सीन हुआ था, लेट्स से कि अब तुम्हें टिकटॉक नहीं पसंद फॉर दिस रीजन कि वहाँ पे सब कपड़े बदलते रहते हैं, ठीक है, बेसिक जो सबसे ज़्यादा सबको पता है यही आता है. अब कल को कैरी मिनाटी ने उस पर वीडियो बनाई और उसने भी अपनी वीडियो में सेम बात बोली कि अरे टिकटॉक तो ऐवें ही है क्योंकि उसमें सब कपड़े बदलते रहते हैं. तूने रिलेट कर लिया कि तुमने बोला कि यार हाँ यार मैं भी यही सोचता था, इसने भी यही बता दिया, ये तो बहुत बढ़िया वीडियो है यार, ये तो बिल्कुल मेरे व्यूज़ ही बता रही है. तुमने लाइक कर दिया, तुमने सब्सक्राइब कर दिया. अब अगर कल को कैरी मिनाटी एक रैप सॉन्ग भी डालेगा ना तो भी वो तुम देखोगे, क्यों, क्योंकि तुम्हें कैरी मिनाटी पसंद है और वो पसंद इसलिए है क्योंकि कहीं ना कहीं तुमने उस पर उसको रिलेट करा, उसको वो चांस दिया, एंड नाउ यू लाइक द पर्सनैलिटी. पर उसको ग्रो करने का चांस तो दो, दैट्स द होल पॉइंट. तो प्लेटफॉर्म पे डिपेंड करता है. अब जहां पे तुझे 30 सेकंड का कंटेंट बनाना है वहां पे तू ये देख कि तू कैसे मास ऑडियंस अट्रैक्ट करेगा, तभी तो तू उनको शिफ्ट कर पाएगा डिफरेंट प्लेटफॉर्म पे, तभी तो तू पैसा कमा पाएगा. द होल पॉइंट इज दैट, वापस ही बोलूंगा मैं, यू नो द पॉइंट, राइट. सो दैट्स इट. ओके, आई होप you like this video. If you like this video, you got my point, just make sure to hit a like, comment down below jo bhi tumhare views hai, and make sure to subscribe to the channel. Dekho ye jo bhi opinions main de raha hu apni, main bheed ke sath nahi chalunga, main tumhe wo baatein nahi bataunga jo tum shayad sunna chahte ho, main tumhe wo baatein bataunga because I think very practically and I observe social media a lot, apni opinion dunga. So if you want to watch it, just watch it. All right, I'll see you guys in the next video. Okay, tata, bye bye, love you guys, thanks for watching. Bye.